वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो अगला सेशन है वो 2023 से 2025 के बीच होगा। अभी जो 2021 से 2023 के बीच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया ने उसे फाइनल में पराजित किया था। पिछली दो बार से भारतीय टीम जो है वो WTC के फाइनल में पहुंच रही है और अब तीसरे सेशन की शुरुआत होने जा रही है, तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या भारतीय टीम एक बार फिर से WTC का फाइनल खेलेगी और जो कमी पिछली दो बार रह गई है क्या इस बार उस कमी की भरपाई होगी और भारत 2023-2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जीत हासिल करते हुए चैंपियन बनेगा, ये सवाल जो है सबसे बड़ा है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2023 से 2025 के का जो सेशन होने जा रहा है उसमें भारतीय टीम को कितने टेस्ट मैच खेलने होंगे और कितना मुश्किल हो सकता है फाइनल में पहुंचना, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। ये भी बताऊंगा कि भारत को कितने मैच खेलने हैं, कौन कौन सी सीरीज खेलनी है, कितने घर पर खेलने हैं और कितने बाहर खेलने हैं। लेकिन उन सबसे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं News by Scope और मैं हूं राकेश रंजन। जून 2023 से जून 2025 के बीच अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सेशन है, सत्र है, वो यही होने जा रहा है और एशेज के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम इसकी शुरुआत करने जा रही है। जबकि भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम 2023-2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज वेस्टइंडीज के दौरे से करेगी भारतीय टीम और वहां पर वो दो टेस्ट मैच खेलेगी और इसी के साथ अगले सत्र के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसकी जो है शुरुआत हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025 की, तो आपको बता दूं कि इसका फाइनल भी 2025 में जून के महीने में लॉर्ड्स इंग्लैंड में ही खेला जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी जो 9 टीमें हैं टेस्ट प्लेइंग कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, सभी को जो है 6-6 सीरीज खेलनी है, जिनमें 3 सीरीज वो होम मतलब अपने घर पर खेलेंगे और 3 सीरीज जो है वो बाहर जाकर अवे जाकर खेलेंगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि हर सीरीज में 2 से 5 टेस्ट मैच होंगे। लेकिन अब भारत की हम बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारतीय टीम अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान से टेस्ट मैचों में मुकाबला करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है और पिछले दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं खेला था। तो आपको बता दूं कि अभी भी 2023 से 2025 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रहा है उसमें भी भारतीय टीम पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं खेलेगी। अब सवाल आता है कि भारतीय टीम फिर किस किस से मुकाबला खेलेगी, तो आपको बता दूं कि भारत 3 होम सीरीज खेलेगी और 3 अवे सीरीज खेलेगी। तो जो अवे सीरीज की हम बात करें तो पहला तो वेस्ट इंडीज से ही मैंने आपको बता दिया, जुलाई में इसी की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी और ये भी अवे सीरीज होगी, मतलब ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका जाकर भी भारत को खेलना है। तो ये 3 अवे सीरीज है। अब 3 होम सीरीज की अगर हम बात करें तो जो 3 होम सीरीज होनी है उसमें बांग्लादेश के साथ भारत का मुकाबला होगा, फिर इंग्लैंड के साथ भारत का मुकाबला होगा और फिर न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होगा। तो ये 6 सीरीज जो है भारत को अलॉट किया गया है WTC के नेक्स्ट साइकिल में। अब अगर हम बात करें कि भारत के लिए इसमें बेहतर करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, तो देखिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर हम अवे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो आप विदेश में 9 टेस्ट मैच खेलेंगे, भारत को कुल 19 टेस्ट मैच खेलने हैं जिसमें 9 आपको अवे खेलना है और 10 होम में खेलना है, तो जो 9 में से आप 7 टेस्ट मैच कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया में खेलना और फिर दक्षिण अफ्रीका में खेलना भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी,
क्योंकि आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होता, ये बात अलग है कि भारत ने इस मिथक को अब तोड़ दिया है और हालिया वर्षों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है और यही हर भारतीय की सबसे बड़ी उम्मीद भी है ये जो नेक्स्ट WTC साइकिल है उसमें से। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से भी मुकाबला आसान नहीं होगा, आपको याद होगा कि जो पिछला WTC चैंपियनशिप जो हो रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें भी भारतीय टीम जब दक्षिण अफ्रीका गई थी तो वहां वो सीरीज नहीं जीत सकी थी। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम आप जानना चाहें तो आपको बता दूं कि अवे की बात करूं तो जुलाई में जो है वो आपको वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलेगी, दो टेस्ट मैचों की ये सीरीज होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से दिसंबर जनवरी में, मतलब 2023 के दिसंबर और 2024 के जनवरी में जो है वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होने जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होगी और WTC के फाइनल में जो भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है उसका जवाब देने का वो माकूल समय होगा, अवसर होगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से जो अवे सीरीज है वो 2023-2024 दिसंबर जनवरी में खेली जाएगी, वो दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। अगर अब हम होम सीरीज की बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो है ये सितंबर अक्टूबर 2024 में जो है वो दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। इंग्लैंड के साथ जनवरी फरवरी 2024 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। तो जो दो मजबूत प्रतिद्वंद्वी है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दोनों के खिलाफ भारत को 5-5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी और वो अक्टूबर नवंबर 2024 में होगी। तो काम भारत के लिए आसान नहीं है लेकिन भारतीय टीम में क्षमता है। अब देखना यह है कि जो टीम मैनेजमेंट है, जो BCCI है, सिलेक्शन कमिटी है, वो कितने चेंजेस जो है वो करती है, उसकी एक झलक जो है वेस्ट इंडीज दौरे से भी हमें देखने को मिल सकती है, जहां कुछ खिलाड़ियों को तो रेस्ट मिलेगा, जैसे शमी सिराज की आप बात कर लीजिए, उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी बाहर भी होंगे तो किनकी किनकी छुट्टी होती है इस पर भी नजर होगी और उनकी जगह कौन से खिलाड़ी आते हैं इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। अब अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स को अगर आप समझते हैं, अगर नहीं समझते तो उसे मैं बता देता हूं कि जो जीत होती है किसी टेस्ट मैच में, जब आपको जीत मिलती है तो आपको कुल 12 अंक मिलते हैं। तो एक टेस्ट मैच जीतने पर हर टीम को जो है वो जीतने वाली टीम को 12 पॉइंट मिलते हैं और जो ड्रॉ होता है टेस्ट मैच तो 4-4 अंक जो है वो दोनों टीमों में बांट दिया जाता है। तो ड्रॉ होने की स्थिति में और अगर टाई होता है मुकाबला तो 6-6 पॉइंट जो है दोनों टीमों में बटता है। तो ये है पॉइंट सिस्टम WTC चैंपियनशिप का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो अभी हम यही कामना करते हैं कि भारतीय टीम नेक्स्ट साइकिल जो WTC का होने जा रहा है उसमें बेहतर प्रदर्शन करेगी और जो चीज वो अब तक नहीं कर सकी है, मतलब वो फाइनल नहीं जीत सकी है WTC का, तो वो फाइनल जो है वो चैंपियन बनने का एजाज जो है भारत नेक्स्ट साइकिल में हासिल करेगा, यही हम सब कामना करते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।